माय विलेज माय लाइफ चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। कानानी ऑर्गेनिक मैंगो फार्म गुजरात, ये हमारे फार्म के अंदर पपीता है, देखिए बहुत बड़ी साइज है, वो देसी वैरायटी है, वो खाने में बहुत मधुर है। वो तीन प्लांट है, मैं अभी दिखाता हूँ आगे आपको। ये दूसरा प्लांट है पपीता के, अभी एक साल का पौधा है, वो बहुत फ्रूट लगा है, शायद 30-35 किलो लगा होगा। अभी अभी भी फ्लावरिंग चालू है, देखिए आप। ये तीन नंबर का पौधा, एक पपीता शायद 2-2.5 किलो, 2 किलो ऐसे साइज का है। ये हमने नारियल का प्लांट लगाया था, कोकोनट, दो प्लांट लगाया था, वो सक्सेसफुल हो गया है। ये हमारा गेट है, मेन गेट फार्म के अंदर आने के लिए। और बगल में वो मकान है, खेत पे वो जो कुछ सब सामान है वो रखने के लिए। और ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है एक दो, वो दिखाता हूँ आपको कितनी बड़ी साइज का हो गया है। ये ड्रैगन फ्रूट अगले साल लगाया था। इसमें अभी दो फ्रूट आया था, वो पक गया है, वो निकाल लिया था। ये दूसरा पौधा है, उसका ग्रोथ बहुत कम है, जमरूख। ये कानानी फार्म के अंदर 6 प्रकार के अमरूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक फर्स्ट नंबर का ये देखिए, आर का है उसका नाम, वो मीडियम साइज का होता है और अंदर ज़्यादा लाल होता है। और देखिए आप, गिनिए, सब 6 प्रकार की वैरायटी है, मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको। ये 2 नंबर की वैरायटी देसी वैरायटी है, इसमें भी फ्रूट बहुत बढ़िया होता है। ये 3 नंबर की वैरायटी काला अमरूद, काला अमरूद है, वो अंदर इसका कलर रेड होता है, दिखाता हूँ आपको, नीचे पड़ा है, ऐसा होता है। ये है देखिए आप, आपको मैं खा, बहुत बढ़िया है उसका स्वाद। ये एलसी केले का पौधा है, साइज में बहुत छोटा होता है, खाने में बहुत स्वीट होता है।
सीताफल, इज़राइल बाराई डेट, गुआर है सब्जी बनाने के लिए। ये हमारा चार नंबर की वैरायटी ताइवान पिंक, देखिए 500 ग्राम तक फ्रूट जाता है इसका। देखिए इसका फ्रूट सबसे अच्छी क्वालिटी ये है ताइवान पिंक। ये भी देखिए, ये भी ताइवान पिंक है। अभी थोड़ा वो बारिश का मौसम था इसलिए वो थोड़ा कलर में उसमें दाग पड़ गया है, काला धब्बा पड़ गया है। और एक अलग क्वालिटी है, हमारे फार्म पे ही हमने कलम बना के बनाया है उसका, दो क्वालिटी को एक साथ हो करके बनाया है वो भी बहुत अच्छा है। वो बन जाएगा अच्छा तो हम सब फार्मर को उसका प्लांट भी देंगे। अभी ट्राई चल रहा है हमारा, उसको सक्सेसफुल होंगे तो सभी फार्मर को उसका भी पौधा मिलेगा। ये हमारी 5 नंबर की वैरायटी थी, अभी वो 6 नंबर की वैरायटी है स्ट्रॉबेरी गवा प्लांट। उसमें अभी फ्रूट नहीं है, फ्रूट आएंगे अगले साल तब दिखाएंगे। उसका कलर भी रेड होता है और अंदर वाइट होता है, बाहर रेड होता है। वो खारक का टिश्यू कल्चर है, ऐसे लगाया है एक अमरूद और बीच में खारेक, फिर एक अमरूद लगाया है, फिर इज़राइल बाराई खारेक का टिश्यू कल्चर हमने दुबई से मंगवाया था। 4000 का एक पौधा है, एक साल का पौधा है, बहुत बढ़िया हो गया है। देखिए ये हमारा फार्म है, किसी को विजिट करने का हो तो आ सकते हैं मुझे कॉल करके। गुजरात में है, अमरेली में। देखिए वो अमरूद का पौधा कितना हेल्दी है, जो हेल्दी होगा पौधा उसका फ्रूट भी हेल्दी होगा। ये भी ताइवान पिंक है और ये आम का पेड़ है, जूना पुराना 35 साल का, वो गिर गया था, वो बारिश और तूफान आया था इस साल तो गिर गया था। ये कल हमने साफ सफाई किया है उधर साइड, बहुत वो घास था उसका वो गिर गया था, वो भी एक जगह पे डाल दिया है। और लकड़ी इधर लगा दिया है सब निकाल निकाल के। अभी भी फार्मिंग में साफ सफाई थोड़ा बाकी था, वो काम चालू है।
अभी ऐसे निकाल के, ऐसे बहुत गंदा हो गया था वो, घास हो गया था। ये स्वीट पोटैटो रेड एंड वाइट दोनों कलर के हैं, अभी निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये हमारा एक एकड़ के अंदर है पूरा फार्म, और उसमें 25 पौधे खारे के लगे हैं, इज़राइल 12 ही, और 60-70 पौधे आम के लगे हैं, केसर आम, और 50-60 तक वो अमरूद लगा है, लाल केला लगा है, G9 केला है, सीताफल है, पपीता है, सब कुछ है हमारे फार्म के अंदर। ये बैंगन है, देसी वैरायटी, रींगण बोलते हैं गुजरात में, रींगणा। देखिए इसमें बहुत फ्रूटिंग है, 200 से 250 फ्रूट है इसमें एक पौधे में, छोटा बड़ा सब साइज का, ये छोटा, ये इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा। जो नए व्यूअर्स है हमारी चैनल में, माय विलेज माय लाइफ चैनल में, वो सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, और वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फार्म तक शेयर करें। हमने एक एकड़ में वो लगाया है, कितना वो हम मुनाफा इसमें से लेंगे वो दिखाएंगे आपको, कौन सी फसल में कितना वो आया है उत्पादन वो आपको दिखाएंगे। केले का पौधा भी है, देसी वैरायटी G9, वो तो बहुत अच्छी वैरायटी है, अभी थोड़ा छोटा है। और है हमारा रेड बनाना प्लांट है, बहुत बढ़िया प्लांट हो गया है, उसकी हाइट भी बहुत होती है रेड बनाने की। ए रेड बनाना अभी फ्रूटिंग नहीं है उसमें, फ्रूटिंग आएंगे तो फिर दिखाएंगे। वो तूफान था तब सब गिर गया था प्लांट रेड बनाना, तो अभी बड़ा हो गया है, अभी फ्रूटिंग आएगा 1-2 महीने में, तो हमारी चैनल को देखते रहिए। रेड बनाना प्लांट बहुत बढ़िया हो गया है, फ्रूटिंग आएंगे तो आपको दिखाएंगे, चैनल से जुड़िए रहिए। जय जवान जय किसान।